स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज़ लेके। दोस्तों आज बात होगी मनीष कश्यप की, यूट्यूबर मनीष कश्यप। ये काफ़ी समय से जेल में बंद हैं, तमिलनाडु हिंसा के मामले में, जो फर्जी वीडियो के मामले में ये बंद हैं जेल में। इन्हीं पर आज बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको झटका दिया है और कहा है हाई कोर्ट जाएं। तो इस पर पूरी तरीके से पूरा डिटेल्स बताऊँगा दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाइए। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे मनीष कश्यप कौन है। मनीष कश्यप एक बिहार का यूट्यूबर है और ये अपना न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं और राजनेता भी कहा जा रहा है कि ये राजनेता भी है। पता नहीं कब इन्होंने चुनाव लड़ा, पर ये पेशे से एक यूट्यूबर है और न्यूज़ चैनल चलाते हैं अपना। तो दोस्तों इन पर बात करेंगे। इनको एक राजनीतिक तहत, ऐसा मनीष कश्यप और मनीष कश्यप की फैमिली का कहना है और उनके वकील का, राजनीति के तहत इन्हें फंसाया गया है। तो देखते हैं क्या है मामला। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार, राहत से किया इनकार। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट का झटका, NSA पर यूट्यूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली राहत, मुश्किल में मनीष कश्यप। इस तरीके के कई हेडलाइन आपने सुना होगा, तो इसी पर बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांति राज्य में अस्थिरता नहीं फैला सकते। मनीष कश्यप को SC की फटकार, राहत से किया है इनकार। कहा है कि आप संबंधित हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों अब वो, जैसे कि मनीष सिसोदिया वाले केस में भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ से रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, उनको भी हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था, उन्हें भी जमानत नहीं मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया है मनीष कश्यप को। तो मनीष कश्यप NSA पर यूट्यूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संबंधित हाई कोर्ट जाए। तमिलनाडु हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में मदुरई जेल में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। दरअसल उनको संबंधित हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है, इसके खिलाफ NSA लगाया गया है पटना। आज यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट में सुनवाई हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत मामला दर्ज होने के मामले में इन्हें राहत नहीं मिली। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पादरीवाला की बेंच ने इनकी सुनवाई की। सुनवाई करते हुए राहत देने से साफ इनकार कर दिया है दोस्तों। तो इनके विपक्ष में जो वकील है वो बहुत नामी गिरामी वकील है दोस्तों, कपिल सिब्बल। तो वो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े लॉयर हैं, तो उनको तो राहत वहाँ से मिलना ही नहीं था। पर मीडिया न्यूज़ में कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप को राहत मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें फटकार लगाई और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलनाडु एक स्थिर राज्य है, आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं, हम आपकी याचिका पर विचार नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो आजकल बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, किसी पर भी कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए और बेतुका, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो तब तक वीडियो में ना डालें। तो देख रहे हैं कि आज मनीष कश्यप या ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो आज जेल की हवा खा चुके हैं और खा रहे हैं। 17 मई तक जेल में ही रहेंगे दोस्तों मनीष कश्यप, अभी उन्हें कोई राहत नहीं। अभी उन्हें या तो तमिलनाडु हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा और बिहार में भी उन पर केस है, दोनों ही जगह ही वो है। तो आप, मैं दिखाता हूँ उन पर कितना कितना मामला दर्ज है दोस्तों। देखिए मनीष कश्यप के खिलाफ 13 केस दर्ज हैं, 6 में मनीष कश्यप नामजद हैं दोस्तों। 13 केस तमिलनाडु में ही इन पर दर्ज है, मनीष कश्यप के खिलाफ कहाँ कितने केस। तो उसके मनीष कश्यप कुल 4 केस दर्ज हैं, जो कि बिहार में 4 केस है और तमिलनाडु में 13 केस दर्ज किए हैं। तो इन पे एक केस से छूटेंगे दूसरे में, दूसरे से छूटेंगे तीसरे में। इन पे ऐसे कड़ा इन पे बनाया गया है जिस मनीष सिसोदिया के तरह ही, और ये खुला जो कि बिहार के उप चीफ मिनिस्टर जो है उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी तीखा बयानबाजी भी किया था। तो आप उन नेताओं के खिलाफ अगर ऐसे बोलेंगे तो हो सकता है कि आपके आने वाले समय में कार्रवाई हो। तो सोच समझ के नेताओं के खिलाफ बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 17 मई तक तो अब जेल में ही रहना है मनीष कश्यप को। तो अब जो भी अपडेट आएगा दोस्तों इसमें बताएंगे। मनीष कश्यप को अब हाईकोर्ट जाना है, हाईकोर्ट के बाद ही मनीष कश्यप को कोई राहत मिल सकती है। हो सकता है हाईकोर्ट से राहत मिले, उन्हें जमानत मिल जाए। अगर जमानत मिल जाएगा तो फिर मनीष कश्यप आप लोगों के बीच में होगा, हम लोगों के बीच में होगा, हम उन्हें सुन सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और कुछ भी अपडेट मनीष कश्यप पे आएगा तो ज़रूर लेके आएंगे, और किसी भी तरीके का वीडियो को, इस तरीके का वीडियो मैं रोज़ लेके आता हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो का बटन दबाइए दोस्तों। और अगर
मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली तक, जिससे कि हमारे वीडियो को रीच मिले। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो।